आपको मेडिटेशन करने की कोशिश भी नहीं करनी है। डोंट ट्राई टू मेडिटेट, ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी है। अब आप बोलोगे बड़ा ही अजीब पर्सन है, रोज सुबह शाम चिल्लाता है ध्यान करो ध्यान करो मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो, और अब ये व्यक्ति कह रहा है कि मेडिटेशन मत करो। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मेडिटेशन मत करो, मैं कह रहा हूं मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है। मेडिटेशन का मतलब है जस्ट बी, जस्ट बी। मेडिटेशन का मतलब है बस होना, करना नहीं, बस होना। क्या मतलब हुआ इसका, कैसे समझे इसको? मेडिटेशन कुछ करना नहीं होता, मेडिटेशन होता है कुछ नहीं करना। करते तो हम बहुत कुछ रहते हैं, कभी इसको ऑपरेट करना, कभी प्रोफेशन में, कभी इसको जज करना, कभी थॉट में कंपैरिजन, डर, बहुत तरह की एक्टिविटीज हम करते रहते हैं। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने बैठो, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, तो आप फिर दोबारा वही कर रहे हो, करने की कोशिश कि मुझे सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, या फिर मुझे मंत्रा की चैंटिंग करनी है, मंत्र पर मुझे जप करना है, फिर अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब सारी चीजें स्टॉप कर देना, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पर विचारों के तौर पर सारी चीजें बिल्कुल स्टॉप, बिल्कुल खत्म कर देना। जो भी आप कंपेयर कर रहे थे, तुलना कर रहे थे किसी भी चीज की, या आप किसी चीज को जज कर रहे थे, या किसी चीज को समझ रहे थे, या मेडिटेशन करते टाइम आपके दिमाग में जो थॉट आ रहे थे, अच्छा, हाँ अच्छा, ये अब समझ में आया, ये मेडिटेशन ये होती है, अरे नहीं नहीं यार ये मेडिटेशन नहीं होती, ये सब कुछ आपको नहीं करना है, ये सब कुछ काम करना है, आपका ब्रेन आपका काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं थॉट स्टॉप हो जाएंगे, या फिर आपके अंदर जो कंपैरिजन है वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब है वो सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको अपना ऑब्जर्वर भी गिरा देना है, आपको अपना दृष्टा भी गिरा देना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपको मेडिटेशन में अपना दृष्टा, आपको देखना भी नहीं है थॉट्स आ रहे हैं, कौन से थॉट आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, आपको देखना भी नहीं है, दृष्टा भी नहीं बनना है आपको। आपको मन में ये भी नहीं पालना है कि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी भाव में हूं, मैं विटनेस कर रहा हूं, नहीं, जस्ट बी। यू आर ऑलरेडी फ्री, तुम हमेशा से मुक्त हो, लेकिन हमारे अंदर कुछ स्टोरी बनी हुई है, कुछ कहानियां बनी हुई हैं, वो कहानियां हमें रोकती हैं असली वो ज्वाला देखने में, वो लाइट देखने में जो हम एक्चुअल में हैं। कोई अपने फर्ज निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, प्रोफेशन सारे काम एक्सटर्नली तुम सारे काम करो, लेकिन जब भी तुम मेडिटेट करने के लिए बैठो, जस्ट बी, कोई एफर्ट नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई विल पावर नहीं लगानी है, जस्ट फ्लो नेचुरली, जस्ट बी एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज, कोई कोशिश नहीं करनी इतनी सी भी, बिल्कुल कंप्लीटली स्टिल रहना है, कोई कहानी नहीं पकड़नी है। कहानियां दिमाग में, थॉट्स, कहानियां, अगर मैं कहानियां बनाना चाहूं, मैं आपको कहानी बना के बता सकता हूं कि मैं कितना दुखी पर्सन हूं, वो आपको सच्ची लगने लगेगी, कन्विंस कर सकता हूं मैं आपको कहानी बनाकर बता दूंगा कि मैं दुनिया का सबसे महान व्यक्ति हूं, वो भी आपको अच्छी लगेगी, कन्विंस कर दोगे, तो कहानियां चलती रहेंगी। कहानियां प्रोग्राम्ड है, कंडीशनड है, जो हमने जाना है, समझा, एक्सपीरियंस करा है, उस हिसाब से हमें चीजें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। वो सारी एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना है मेडिटेशन के दौरान।
यहाँ पर ये होगी रियल मेडिटेशन, असली मेडिटेशन, फिर आप देखोगे एक्चुअल में क्या है मेडिटेशन, क्या करती है मेडिटेशन। जो भी लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम करने की कोशिश कर रहे हो, कर तो तुम वैसे ही सब कुछ रहे हो, कुछ करना ही तो नहीं है। कुछ फॉर्म नहीं बनानी है तुम्हें। माफ करना, कोई कहानी नहीं बनानी है। और मेडिटेशन के दौरान तुम्हें जब तुम क्लियरली देखो, क्लियरली जब तुम फ्लो वाले स्टेट में आ गए हो, उसको शब्दों में भी नहीं बोलना है। जैसी तुमने शब्दों में बोलने की कोशिश किया, जैसी तुमने उसको कैच करने की कोशिश की, यस पता लग गया तुम भटक गए अपने रास्ते से। क्यों? क्योंकि तुमने फिर उसको फिर अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर दिया तुमने। जो ऑलरेडी है, हमेशा से प्रेजेंट है, उसको हम इसलिए भूल गए हैं क्योंकि हम काफी कहानियां, काफी स्टोरीज बना रहे हैं। हम काफी तरीके से प्रोग्राम्ड है, कंडीशन्ड है, बस उस पर्दे को हटाने की जरूरत है। उस शीशे पर जो धूल लगी है, वो इन्हीं चीजों की धूल लगी है। वो जैसी धूल हटेगी, शीशा चमकेगा और तुम्हें वो दिखाई दे जाएगा, जिसको तुम सत्य कहते हो, भगवान कहते हो, गॉड कहते हो। लेकिन जैसे ही तुमने उसको देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, वर्ड देने की कोशिश की, आउट ऑफ, खत्म हो गए आप। फिर वहां से फिर वो मेडिटेशन हुई नहीं। मेडिटेशन में आपको सारी नॉलेज, सारा कंपैरिजन, सारी जजमेंट, जो भी आप जानते हो, समझते हो, कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करनी, कुछ इकट्ठा करने की कोशिश भी नहीं करनी, कुछ कोई विचार पालना ही नहीं है आपको मेडिटेशन में। अब इसका मतलब ये नहीं विचार नहीं आएंगे, विचार आएंगे, तुम्हें उन पर रिएक्ट नहीं करना है, तुम्हें उनको देखना भी नहीं है, तुम्हें ना दृष्टा भी गिरा देना, ऑब्जर्वर भी गिरा देना है, तुम्हें कोई चीज नहीं पालनी है मन में, मन को ही एकदम खत्म कर देना है आपको। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, एक्सटर्नली प्रोफेशनली आप जो भी कर रहे हैं, काम करते रहे अपने, जहां पर सोचने की जरूरत पड़ रही है, थिंकिंग की जरूरत पड़ रही है, वहां पर अपना काम करते रहे। सो मेडिटेशन करने की कोशिश नहीं करनी है, जस्ट बी, होना है बस, जस्ट होना है। थैंक यू वेरी मच।